स्वयंभू मनु और शत्रुपा के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक दो पत्नियां थीं। राजा उत्तानपाद को सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। यद्यपि सुनीति बड़ी रानी थी, परंतु उत्तानपाद का प्रेम सुरुचि के प्रति अधिक था। एक बार सुनीति का पुत्र ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा खेल रहा था। इतने में सुरुचि वहां आ पहुंची। ध्रुव को उत्तानपाद की गोद में खेलते देख उसका पारा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। सौतन के पुत्र को अपने पति की गोद में वह बर्दाश्त न कर सके। उसका मन ईर्ष्या से जल उठा। उसने झटपट कर बालक ध्रुव को राजा की गोद से खींच लिया और अपने पुत्र उत्तम को उसकी गोद में बिठा दिया तथा बालक ध्रुव से बोली, अरे मूर्ख, राजा की गोद में वही बालक बैठ सकता है जो मेरी कोख से उत्पन्न हुआ हो। तू मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए तुझे इनकी गोद में या राज सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। 5 वर्ष के ध्रुव को अपनी सौतेली माँ के व्यवहार पर क्रोध आया। वह भागते हुए अपनी माँ सुनीति के पास आए तथा सारी बात बताई। सुनीति बोली, बेटा, तेरी सौतेली माता सुरुचि से अधिक प्रेम के कारण तुम्हारे पिता हम लोगों से दूर हो गए हैं। तुम भगवान को अपना सहारा बनाओ। माता के वचन सुनकर ध्रुव को कुछ ज्ञान उत्पन्न हुआ और वे भगवान की भक्ति करने के लिए पिता के घर को छोड़कर चल पड़े। मार्ग में उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। देवर्षि ने बालक ध्रुव को समझाया, किंतु ध्रुव नहीं माना। नारद ने उसके दृढ़ संकल्प को देखते हुए ध्रुव को मंत्र की दीक्षा दी। इसके बाद देवर्षि राजा उत्तानपाद के पास गए। राजा उत्तानपाद को ध्रुव के चले जाने से बड़ा पछतावा हो रहा था। देवर्षि नारद को वहां पाकर उन्होंने उनका सत्कार किया। देवलयश ने राजा को ढांढस बंधाया कि भगवान उनके रक्षक हैं। भविष्य में वे अपने यश को संपूर्ण पृथ्वी पर फैलाएंगे। उनके प्रभाव से आपकी कीर्ति इस संसार में फैलेगी। नारद जी के इन शब्दों से राजा उत्तानपाद को कुछ तसल्ली हुई। उधर बालक ध्रुव यमुना के तट पर जा पहुँचे तथा महलयश नारद से मिले मंत्र से भगवान नारायण की तपस्या आरम्भ कर दी। तपस्या करते हुए ध्रुव को अनेक प्रकार की समस्याएं आई, परंतु वे अपने संकल्प पर अडिग रहे। उनका मनोबल विचलित नहीं हुआ। उनके तप का तेज तीनों लोकों में फैलने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की ध्वनि वैकुंठ में भी गुंज उठी। तब भगवान नारायण भी योग निद्रा से उठ बैठे। ध्रुव को इस अवस्था में तप करते देख नारायण प्रसन्न हो गए तथा उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। नारायण बोले, हे राजकुमार, तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारी ये भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वह लोक प्रदान कर रहा हूँ जिसके चारों ओर ज्योतिष चक्र घूमता है तथा जिसके आधार पर सब ग्रह नक्षत्र घूमते हैं, प्रलय काल में भी जिसका कभी नाश नहीं होता, सप्तर्षि भी नक्षत्रों के साथ जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं। तुम्हारे नाम पर वो लोक ध्रुव लोक कहलाएगा। इस लोक में 36,000 वर्ष तक तुम पृथ्वी पर शासन करोगे। समस्त प्रकार के सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोग कर अंत समय में तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे। बालक ध्रुव को ऐसा वरदान देकर नारायण अपने लोक लौट गए। नारायण के वरदान स्वरूप ध्रुव समय पाकर ध्रुव तारा बन गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताए। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।